डिशवॉशर के पार्ट्स को अंदर से समझेंगे कि इसमें अंदर में क्या क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका ढक्कन खोलेंगे और इसे पूरा नीचे खींच लीजिए, नहीं तो वो वापस बंद हो जाता है ऊपर खींच के। हम इसकी रैक्स को देखेंगे, इसमें हमें दो रैक्स मिलती हैं, एक ये आपकी ऊपर की रैक है कि इस ऊपर की रैक में हम ग्लासेस रख सकते हैं और आपकी जैसे जो कटोरी वगैरह होती है, जो भी छोटे बर्तन होते हैं वो सब लगा सकते हैं। हम यहाँ पे आपका ये जो एरिया है इसमें आप जो आपकी वो होती हैंगी चम्मच वगैरह होते हैं, बड़े वाले चम्मच होते हैं, कलची होती है, चिमटी होती है, वो सब यहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें भी आप चम्मच वगैरह लगा सकते हैंगे, ऊपर में आपको ये दिया गया है। इधर आप अपने ग्लास लगा सकते हैं इसमें, और इधर आप अपनी छोटी कटोरी वगैरह रख सकते हैं, और भी छोटे आपके जो कटोरे वगैरह होते हैं वो सब इस रैक में लग जाएंगे। इसके अलावा ये भी जाली हमें दी गई है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, कप वगैरह लगाने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये खुल भी जाती है और हमारी ये बंद भी हो जाती है ईजली। सो फ्रेंड्स, ये हमारे नीचे की रैक है, इसमें आप एक देख सकते हैं, एक तो ये बकेट टाइप की दी गई है हमें, जिसमें डलिया दी गई है, जिसमें आप अपने चम्मच और बाकी जो कटलरी होते हैं ना छोटे मोटे, वो सब लगा सकते हैं, चम्मच कांटे वगैरह ये सब इसमें आप लगा के रख सकते हैं। इसके अलावा ये जो एरिया दिया गया है इसमें आप अपनी प्लेट्स लगा सकते हैं, इसमें खांचे बने हुए हैं जिसमें आपकी प्लेट इजली सेट हो जाएगी, एक खांचे में आपकी एक प्लेट आ जाएगी। इसके अलावा हम आगे के एरिया को देखें तो ये आपका जो बड़े यूटेंसिल होता है वो रखने का एरिया दिया गया है, आप यहाँ पे अपने सारे बड़े यूटेंसिल जैसे कढ़ाई है, बड़े भगोने हैं, वो सब लगा सकते हैं। और आपको छोटे ही बर्तन रखने हैं तो यहाँ ये डिवाइड करने के लिए भी दिया गया है, आप इसे खोल सकते हैं। आप इसके अलावा चाहें तो इन रैक्स को बाहर भी निकाल सकते हैं, जैसे नीचे वाला हमारा जो रैक है वो बाहर निकल आता है ईजली, आप जब इसको बगल पीछे की ओर खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, और जस्ट अंदर पुश करेंगे तो फिर से रीसेट हो जाता है। ऊपर में एक और फंक्शनलिटी होती है कि जो इसके ऊपर का रैक है ये हाइट एडजस्टेबल होता है, जैसे अगर हमको बड़े बर्तन रखने हैं तो हम इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें उसके लिए स्लाइडर दिए गए हैं तथा साइड में पहिए दिए गए होते हैं जिनकी सहायता से इजिली ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो अब हम आपको ये दिखाएंगे। तो पहले हम इसको बाहर निकाल लेंगे रैक को, फिर आप देखिए इसमें साइड में स्लाइडर दिया गया है, और ये दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि इसमें पुली दी गई है, पहिए दिए गए हैं। तो इसमें दो लेवल की सेटिंग आएगा, ये आपका पहला लेवल है और ये आपका दूसरा लेवल है। हम इसको लगा के दिखाएंगे आपको, ईजली लग जाता है ये, आपको बस इसको स्लाइडर पर प्लेस करना और फिर इसे अंदर में पुश करना, ये हमारा सेट हो गया। तो जिससे आप ऊपर की रैक में भी बड़े बर्तन भी डाल सकते हैं। ये जानेंगे कि कहाँ पे हमें डिटर्जेंट डालना है, या वो जो टिकिया आती है बिस्किट्स आता है वो कहाँ पे लगाना है, और दूसरा रिनाइज एड कहाँ पे डालना है। ये जो हमारा प्लेस है हमें यहाँ पे डिटर्जेंट डालना रहता है, इसको फिल करना, उसके बाद ऊपर में हम इसे बंद कर देंगे, आपको स्लाइड करना रहेगा, स्लाइड करने से बंद हो जाता है। इसे खोलना है तो बगल वाले ब्लैक वाले बटन को दबाइए, खुल जाता है। और दूसरा ये जो हमारा दिया है इसके बगल में, ये रिनाइज हेड डालने के लिए, इसको हमें खोलना है और इसमें रिनाइज हेड को भरना है। तो वॉश करते समय मशीन में अपने आप से सेटिंग रहती है कि उसे कितना रिनाइज हेड यूज़ करना है, और वो ले लेती है उस हिसाब से। रिनाइज हेड से हमारे बर्तन चमकदार भी बनते हैं तथा उनसे दाग धब्बे भी नहीं लगते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें कहाँ पे हमें सॉल्ट डालना हो। दोस्तों, सॉल्ट डालने के लिए सबसे पहले तो आपको नीचे वाली ट्रे को निकालना होगा, आपको इसके लिए नीचे ट्रे को निकाल के अलग रखना होगा। उसके बाद में हम देखेंगे तो ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ये दिया गया है, प्लेस बना हुआ है टंकी सा, जिसमें हमें सॉल्ट भरना होता है। आप इसमें सॉल्ट भर सकते हैं, और उसकी एक एज होती है कि वो कितने दिन चल सकता है। अगेन, सॉल्ट की भी मशीन में सेटिंग रहती है कि उसे कितना लेना है, जैसा आपके वाटर की हार्डनेस है उस हिसाब से आप खुद भी उसकी सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो इस मशीन में अपनी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग दी रहती है जिस हिसाब से वो सॉल्ट लेती है।
सो ये तो हो गई बात इस मशीन के इनर पार्ट्स की। हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं तथा अच्छा कभी कभी क्लीनिंग करनी पड़े तो कहाँ पे क्लीनिंग करनी है। आप जब बर्तन धोएंगे तो उसकी आपकी गंदगी कहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगी। तो अगेन उसके लिए भी आपको नीचे वाला रैक निकालना पड़ेगा और नीचे में आप देख रहे हैं कि ये दिया हुआ है। जैसे आप जब किचन में बर्तन धोते हैं तो सिंक में आपके एक फिल्टर लगा रहता है जहाँ सारी गंदगी इकट्ठा होती है, वैसे इस मशीन में भी ये फिल्टर लगा हुआ है जिसमें सारी जाके गंदगी इकट्ठा होगी और ये जाली भी लगी हुई है जिससे कुछ नीचे में ना जाए। तो आप वीक में एक बार इसको जरूर बाहर निकाल लें और इस फिल्टर को पानी से धो के अच्छे से साफ कर लें तथा इसे वापस लगाना भी बहुत आसान है। जैसे मैंने इसे खोला था वैसे ही आप इसको यहाँ पर प्लेस करिए और इसको ऐसे आपको घुमाना रहता है और ये घुमाने से ऐसे टाइट हो जाता है। टाइट करते समय एक बात का ध्यान रखें कि आप ये देख रहे हैं ये दो एरो बने हुए हैं, टाइट हो गया तो ये दोनों एरो एक दूसरे की सीध में रहेंगे। दोस्तों तो ये तो हो गई इनर पार्ट्स की बात, हम एक सावधानी की बात कर लेते हैं कि आपकी जो दोनों रैक दी गई है इसमें उसके नीचे में आप देखेंगे कि एक फैन जैसा कुछ लगा हुआ है। तो आप मशीन को चलाने से पहले इस फैन को जरूर ऐसे घुमा के देख लें कि वो घूम रहा है कि नहीं, कहीं उसमें कुछ अटक तो नहीं रहा है। अगर अटक रहा है तो आप अपने बर्तनों को जरूर से एडजस्ट कर लें, नहीं तो मशीन ठीक से काम नहीं करेगी और उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसी तरह से जो नीचे में पाइप दिया गया है आप देख सकते हैं, उसको भी आप जरूर एक बार घुमा के देख लीजिए कि वो अच्छे से घूम रहा है कि नहीं। तो ये घूमना बहुत जरूरी है।